गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ। एज यू नो, माई सेल्फ वीना गुप्ता, योर मैथ्स टीचर। इन माई फर्स्ट वीडियो वी हैव स्टार्टेड चैप्टर 1, इंटीजर्स। इन दिस चैप्टर वी रिवाइज सम डेफिनेशंस, नेचुरल नंबर्स, इवन नंबर, ओड नंबर एंड होल नंबर्स। इंटीजर्स, ये मैंने भी आपको डेफिनेशन बताई थी आपको। द सिस्टम, नंबर सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ नेचुरल नंबर्स, दे आर नेगेटिव्स एंड द नंबर जीरो इज कॉल्ड द सिस्टम ऑफ इंटीजर्स। और मैंने आपको एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर्स भी डेफिनेशन बताई थी। क्या होता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर? इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द इंटीजर विदाउट टेकिंग इट्स साइन। एग्जाम्पल्स भी आपको क्लियर की थी। 24 एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन होता है। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है इसकी? 24 एंड माइनस 18 की एब्सोल्यूट वैल्यू 18। तो आपको मैंने होमवर्क भी दिया था, तो मुझे आशा है आप लोगों को मैंने होमवर्क जो दिया था वो आपने अच्छे से कर लिया होगा। जो एब्सोल्यूट वैल्यू के क्वेश्चंस दिए थे, एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन भी आपको क्लियर हो गई, उसके आपके क्वेश्चंस भी आपने होमवर्क में कर लिए। तो अब आज मैं आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स के बारे में आपको बताऊंगी। लेट अस स्टार्ट। तो फर्स्ट चैप्टर में इंटीजर्स में मैं आज टॉपिक है एडिशन ऑफ इंटीजर्स। एडिशन ऑफ इंटीजर्स, हम इंटीजर्स में एडिशन कैसे करेंगे, देखिए इसे एग्जांपल से क्लियर करते हैं। फर्स्ट इज -7 प्लस ब्रैकेट में है -23। प्लस का साइन है, इसका मतलब हम इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इंटीजर्स कौन से हैं? -7 एंड -23, ये दोनों क्या हैं? इंटीजर्स हैं। और हमने इसे क्या करना है, ऐड करना है, प्लस करना है। तो सबसे पहले हम -7 की एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। -7 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हुई? 7। मैंने बताया था आपको एब्सोल्यूट वैल्यू में क्या होता है, साइन को नहीं लिया जाता है, न्यूमेरिकल वैल्यू को लिया जाता है, साइन इग्नोर होता है। इस तरह से -23 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हुई? 23। तो -7 की 7 हुई एब्सोल्यूट वैल्यू, -23 की 23। तो जब इनको हम ऐड करेंगे तो इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड करेंगे। जैसे 7 और 23 को ऐड करके आया 30। तो -7 प्लस -23 का 30 आया। अब ये माइनस साइन क्यों आया है? जब दोनों वैल्यू नेगेटिव हैं, एडिशन हम कर रहे हैं इंटीजर का, दोनों वैल्यू नेगेटिव है तो दोनों साइन, जो साइन आएगा वो नेगेटिव आएगा। और हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू को तो प्लस करना है और साइन कौन सा आएगा? नेगेटिव। जब सेम साइन है, दोनों साइन नेगेटिव हैं, तो साइन नेगेटिव आएगा और प्लस करके जो आएगा 30 आएगा। इसमें माइनस नहीं करना है आपने, दोनों को प्लस करना है, तो क्योंकि दोनों वैल्यू की नेगेटिव साइन है, इसे -30 इसका आएगा। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? ठीक है, अब नेक्स्ट, अगर एक वैल्यू नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, जैसे कि -32 ये नेगेटिव है और 47 ये पॉजिटिव है, इनको जब हम ऐड करेंगे तो -32 का जो एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी 32 और 47 की एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी 47। इसमें हमें क्या देखना है? इसमें हमें ये देखना है कि दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है, दोनों में 47 और 32 में वैल्यू कौन सी ग्रेटर है। तो 47 32 में 47 ग्रेटर है, 47 वैल्यू ग्रेटर है, बड़ी है। तो जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ साइन कौन सा है? ग्रेटर वैल्यू के साथ साइन है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव जो वैल्यू है, तो जब हम इसे माइनस करके, माइनस की एक जो वैल्यू है माइनस की है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, करेंगे तो हम माइनस ही 47 में से 32 को हमने माइनस किया, 47 से 32 को माइनस करेंगे तो 15 आएगा। और इस 15 के साथ माइनस का साइन ही आएगा, प्लस का साइन आएगा। और पॉजिटिव साइन अगर आप लगा देते हैं तो भी ठीक है, अगर नहीं लगाते हैं तो इसका मतलब पॉजिटिव ही है। माइनस 15 के साथ कोई साइन नहीं लगा, इसका मतलब ये पॉजिटिव है। अगर इसके साथ माइनस का साइन लगा हुआ तो नेगेटिव है, अगर कोई साइन नहीं लगा हुआ है तो ये पॉजिटिव है। तो प्लस के 15 आंसर क्यों आया है? क्योंकि इसकी 47 जो है वो ग्रेटर है, यानी जो दोनों में से ग्रेटर वैल्यू होगी, एक नेगेटिव वैल्यू है एक पॉजिटिव वैल्यू, में से जो ग्रेटर वैल्यू होगी उसी का साइन आंसर में आएगा। करना तो आपको माइनस ही है, अपोजिट साइन है एक माइनस की एक प्लस की, तो माइनस करेंगे 47 में से 32 प्लस के 15 आएगा, जो वैल्यू बड़ी है। अगर यहाँ -47 बड़ा होता तो माइनस की आता, और 32 प्लस की होता तो ये माइनस की वैल्यू आती। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट एक एग्जांपल करते हैं। अगर थ्री वैल्यूज है मोर देन 2, नेगेटिव वैल्यू है -28, ये भी नेगेटिव है -2 और ये 30 पॉजिटिव है। तो पहले सबकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लीजिए, -28 की 28,
माइनस टू की टू, थर्टी की थर्टी। अब जो कि थ्री वैल्यूज हैं तो पहले हम टू वैल्यूज को सॉल्व करके देख लेते हैं। ये दोनों वैल्यू नेगेटिव थी तो मैंने बताया था जब जैसे कि दोनों वैल्यू नेगेटिव हैं तो उसमें क्या होता है प्लस करते हैं, सेम वैल्यू सेम साइन है नेगेटिव का साइन है तो 28 और 2 को प्लस करेंगे, लेकिन साइन कौन सा आएगा माइनस 30, साइन नेगेटिव ही आएगा। अब ये जो माइनस 30 इन दोनों को सॉल्व करके माइनस 30 आ गया, फिर बचा क्या प्लस 30। अब माइनस 30 और प्लस 30, माइनस 30 और प्लस 30 दोनों सेम वैल्यू है, इसका मतलब हमने माइनस ही करना है। 30 में से 30 को माइनस करेंगे तो जीरो आएगा, और जीरो के साथ तो प्लस एस माइनस कोई साइन लगता नहीं है। 30 में से 30 माइनस किया तो आंसर इज जीरो। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अगर दो साइन सेम है, नेगेटिव है दोनों साइन, नेगेटिव दोनों साइन है तो प्लस करना है, साइन माइनस का आएगा। अगर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो जो वैल्यू ग्रेटर है उसका इसके साथ जो साइन है आंसर में वही साइन आएगा। और थ्री वैल्यूज को आप टू टू वैल्यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, पहले टू वैल्यूज को सॉल्व किया फिर उसके बाद टू वैल्यूज को सॉल्व किया। अगर फोर वैल्यूज हैं तो भी उसे ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ स्टूडेंट्स आपको? ओके, नेक्स्ट इसी तरह से हमें सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर करना है। सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स में इसमें प्लस का साइन था सब में, ठीक है, देखिए यहाँ प्लस का साइन, यहाँ प्लस का साइन, ये भी प्लस का साइन, अब यहाँ माइनस के साइन है। सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे? माइनस का साइन दिया हुआ है इसमें तो आप इसको पहले सॉल्व कर लीजिए, ब्रैकेट के अंदर एक साइन, ब्रैकेट के अंदर एक माइनस का, दो साइन है, इन दोनों साइन को कैसे सॉल्व करेंगे? माइनस 24 एज इट इज आएगा, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस, एक साइन बाहर माइनस का एक अंदर माइनस का, जब दो साइन अंदर बाहर माइनस माइनस की हैं तो वो प्लस हो जाएंगे, एक साइन बन जाएगा उनका प्लस और 32 ब्रैकेट सॉल्व हो गई। अब इसी तरह से जैसे हमने इसे सॉल्व किया था माइनस 24 का कि एब्सोल्यूट वैल्यू 24 आ जाएगी, 32 की 32 आ जाएगी, इसमें से ग्रेटर वैल्यू कौन सी है 32, करना हमें इसे क्या है माइनस, क्योंकि एक नेगेटिव साइन है एक प्लस पॉजिटिव साइन है तो हमें क्या करना है माइनस। 32 में से 24 को माइनस करेंगे 8, 8 के साथ प्लस का साइन मैंने लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि 32 ग्रेटर है, जो वैल्यू ग्रेटर है वही साइन इधर आएगा, प्लस की 32 है तो प्लस के 8 आंसर आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और एग्जांपल्स करते हैं इसकी, माइनस 17, माइनस 18, माइनस और फिर अंदर एक और माइनस है ब्रैकेट के अंदर, तो इसको भी ऐसे सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। अब थ्री वैल्यूज हैं तो पहले इन दो वैल्यूज को, पहले इन दो को सॉल्व करेंगे, माइनस 17 माइनस 18 दोनों माइनस की है तो मैंने क्या बताया था, दोनों माइनस की है, दोनों सेम साइन माइनस की हैं तो क्या होंगे 17 और 18 को क्या करना है प्लस, और साइन कौन सा आएगा माइनस, माइनस 35, फिर ये बचा प्लस 35। तो सेम कंडीशन जैसी पहले इसमें एग्जांपल में आई थी वही आ रही है, माइनस 35 प्लस 35, यानी 35 में से 35 माइनस करेंगे तो आंसर इज जीरो। ओके स्टूडेंट्स क्लियर? चलिए नेक्स्ट करते हैं, 250 माइनस, फिर माइनस का साइन 68, माइनस फिर ब्रैकेट के अंदर भी माइनस का साइन 12। तो सबसे पहले ये ब्रैकेट्स के साइन सॉल्व करने हैं, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। अब आप देखिए इसमें सारे प्लस का साइन है, कोई माइनस का साइन है ही नहीं, ये भी पॉजिटिव है कोई साइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर ये पॉजिटिव है, प्लस किया है, ये भी प्लस, ये भी प्लस, जब सारी वैल्यूज प्लस की हैं तो आपको सिंपल इसको प्लस ही करना है, इन सबको एक साथ प्लस कर दीजिए, 6 दो दो इन दो को प्लस करके फिर जो आए इसमें प्लस कर दीजिए, तीनों को प्लस करके आएगा आंसर पॉजिटिव आपका 330। ओके स्टूडेंट्स क्लियर हुआ ये सब आपको, ये कैसे आपको एडिशन ऑफ इंटीजर करना है, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर करना है, ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करके करना है। नाउ नेक्स्ट इज एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, द नेगेटिव ऑफ एन इंटीजर इज कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द इंटीजर, दैट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इज माइनस ए। नेगेटिव ऑफ एन इंटीजर इज कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स का मतलब है कि कोई भी वैल्यू जैसे ए है, ए का इसका एडिटिव इनवर्स क्या हुआ माइनस ए, अपोजिट साइन, ए पॉजिटिव है इसका एडिटिव इनवर्स क्या हुआ माइनस ए। इस तरह से माइनस एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस ए, माइनस ए यानी माइनस का साइन लगा है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा पॉजिटिव है, प्लस का कोई साइन नहीं है इसका मतलब पॉजिटिव ए है, ए का माइनस ए अपोजिट साइन होंगे, मतलब अगर प्लस की वैल्यू दी हुई है, न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस की है तो उसका
माइनस लगा देंगे और माइनस उसका नेट इन्वर्स होगा, और माइनस की हुई है तो उसका क्या होगा, प्लस होगा। इससे क्या होगा, आल्सो द सम ऑफ एन इंटीजर एंड इट्स एडिटिव इन्वर्स इज ऑलवेज जीरो। क्या होता है, जैसे कि प्लस ए प्लस माइनस ए, ये ए इसका एडिटिव इन्वर्स माइनस ए, जब इसको प्लस करेंगे क्योंकि दोनों सेम वैल्यू है, यहाँ पर भी हमने क्वेश्चन में किए थे, तो दोनों जब दोनों सेम वैल्यू आ रही है तो माइनस थर्टी प्लस थर्टी जीरो, तो ए प्ले ए को ए में से ए को ही माइनस करेंगे तो जीरो आएगा। इस तरह से माइनस ए इसका एडिटिव इन्वर्स क्या है, ए, तो प्लस करेंगे तो इनकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो। इट मीन्स जो आपको वैल्यू दी हुई है उसका एडिटिव इन्वर्स जब हम ऐड करते हैं तो जीरो होती है, पॉजिटिव का नेगेटिव आएगा, तो जब उनको प्लस करेंगे जीरो आएगा, नेगेटिव का पॉजिटिव करे होगा उसका एडिटिव इन्वर्स, तो जब प्लस करेंगे तो जीरो आएगा, सेम वैल्यू को जब हम माइनस करते हैं तो जीरो आता है। देयरफॉर एडिटिव इन्वर्स ऑफ जीरो इज जीरो, और जीरो का क्या होगा, जीरो का जीरो ही एडिटिव इन्वर्स होगा, क्योंकि जीरो में ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, जीरो कोई साइन ही नहीं होता जीरो के साथ, तो उसका एडिटिव इन्वर्स हमेशा जीरो का जीरो ही होता है। ओके, क्लियर हो गया आपको एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, द नेगेटिव ऑफ एन इंटीजर इज कॉल्ड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ द इंटीजर। सो स्टूडेंट्स, ऑल दैट क्लियर, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर एंड एडिटिव इन्वर्स, तो इतना ही काफी है। नाउ नोट डाउन योर होमवर्क, दिस इज योर होमवर्क, फाइंड, तो ये ब्रैकेट्स में माइनस 48 प्लस माइनस 36, ये आपको मैंने आप जैसे सॉल्व कराए हैं, जो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ए बी सी डी इसके फोर पार्ट्स आपको दिए हैं, जो मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं उसी के अकॉर्डिंग ये आपको सॉल्व करने हैं, नीट एंड क्लीन फे कॉपी में। और ये है फिलिंग द ब्लैंक्स, एडिटिव इन्वर्स की जो मैंने डेफिनेशन बताई है उसी के बेस पे ये फिलिंग द ब्लैंक्स है। एडिटिव इन्वर्स ऑफ माइनस 42 मैंने आपको बताया क्या होगा, और यहाँ कौन सी वैल्यू आएगी जिससे कि ये जीरो आ जाएगी, ये भी मैंने आपको क्लियर किया है, और ये इसी के बेस पे आपके डेफिनेशन जो बताइए किसी बेस पे ये क्वेश्चन है, आपको इसको नीट एंड क्लीन करना है, नोट इट डाउन। सो स्टूडेंट्स, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, जिन बच्चों के पास बुक्स हैं उन्हें आप उन बच्चों को एक्सरसाइज 1.1 करनी है, ये सारे सम जो है एक्सरसाइज 1.1 में है, और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है उन्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जितना मैंने दोनों वीडियो में करवाया है उतना ही आपको कॉपी पे कर लेना है, और नेक्स्ट जो है मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।